हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ हैं और यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने अपना वर्बों का पार्ट कम्प्लीट कर लिया। लेसन 4, 5, 6 तीनों लेसन हमारे हो गए। हसीये और हसाइए भी करा था, चिड़ियाघर करा था और सोच अपने होंगे। अब हम कंपोजिशन पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे कंपोजिशन में इस टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, कहानी करने वाले हैं टोपी वाला और बंदर। हालांकि ये कहानी हम पहले कर चुके हैं वर्कबुक में। जब हमने टेक्स्ट बुक में किया था तब मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी, उसमें से कहानी फ्रेम करी थी, उसमें से हमने क्वेश्चन आंसर किए, राइट? लेकिन आप इसको हम कहानी के तौर पर पूरा लिखेंगे। पीडीएफ भेज होगी उसमें से लिखिएगा और समझ के समझिएगा। ओके, चलिए शुरू करें। एक गाँव में टोपी वाला रहता था। वह रोज अपनी टोपियों की टोकरी लेकर अलग अलग गाँव में जाकर टोपियां बेचता। व्यापारी था, टोपियों का काम करता था, तो रोज टोपियों की टोकरी लेता, कटी लेता टोपियां बेचने के लिए और अलग अलग गांव में, दूर दूर गांव में जाता था। जनरली कोई भी ठेले वाले, सब्जी वाले, फेरी वाले जो आते हैं वो ऐसे ही करते हैं ना, अलग अलग एरियाज में जाते हैं और अलग अलग एरियाज में। पर पहले के समय में गांव का मतलब गांव का बताया है, तो गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको जंगल भी पार करना पड़ता है ना। तो एक दिन जब वो टोपियां बेचने निकला तब चलते चलते वह थक गया। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं, भाई पूरा दिन हो गया था उसको बेचते बेचते, दोपहर हो गई, इतनी धूप गर्मी थी, बेहाल हो गया था, थक गया था। तो सोचा कि जब टोपियां बेच के जा रहा है दूसरी जगह, तो उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ फिर वापस से आगे बढ़ूंगा। यह सोचकर उसने अपनी टोपी एक पेड़ के नीचे रख दी और वहीं आराम करने लेट गया। थकान की वजह से उसे नींद आ गई। तो भाई उसने सोचा कि आराम कर लूं, तो अपनी टोपी ली, जो टोपी लेकर जा रहा था वो नहीं पड़े पेड़ के नीचे, देखना बहुत घना पेड़ है, छाया आ रही है, आराम से कर सकता हूँ, रेस्ट कर लूंगा, चल उठूंगा फिर चला जाऊंगा आगे। तो पेड़ के नीचे रखी, आराम करने लेटा, लेकिन थकान की वजह से उसको वहां पर नींद आ गई। तो क्या हुआ नींद आ गई, तो उसी पेड़ के ऊपर बंदर रहते। व्यापारी की टोपी लेकर बंदर नीचे उतरे और टोपियां लेकर फिर से ऊपर चढ़े। कि जब उस जिस पेड़ पर वो नीचे सोया था, सो गया था, नींद आ गई थी, उस पेड़ के ऊपर बंदर थे। तो व्यापारी की जब उसने टोपियां देखी बंदरों ने, तो वो नीचे आए और टोपियां ले ली, सारी टोपियां उससे ले ली व्यापारी से, और टोपियों से सब टोपियां लेके वापस लेके चढ़ गए। जब व्यापारी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी टोपियां गायब है। बंदरों को टोपियां पहने देख वह समझ गया कि उसकी टोपियां बंदर ले चुके। वही अब उठा नींद में से, अरे देखा टोकरी खाली पड़ी है, टोपियां कहां गई? तो देखा तो सारे बंदर, जो कई बंदर थे, वो सब टोपियां ले लेके अपने सिरों पर रखकर मजे से पेड़ पर बैठे थे। समझ गया कि भाई बंदर ले लिया, अब क्या करूं। उसने तुरंत अपने सिर पर रखी टोपी फेंक दी। इसको क्या, उसको पता था बंदर नकलची होते हैं, नकलची कॉपी करते हैं, कॉपी कैट होते हैं ना, कॉपी करते हैं। तो जैसे उसने अपने सिर की टोपी उठाकर फेंक दी, बंदर नकलची होते हैं, इसके व्यापारी को देखकर उन्होंने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। नकलची बंदर थे, जैसे ही व्यापारी ने अपनी टोपी फेंक दी वैसे ही सब बंदरों ने भी अपने अपने सिर से उठाकर टोपियां फेंकना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने अपनी टोपियां समेटी और वहां से चला। तो उसने वापस से अपनी टोपियां इकट्ठी कर ली, इकट्ठी कर टोकरी में भरी, तुरंत वहां से चला जैसे पहले बंदर और वापस से टोपियां ली। तो सीख क्या मिलती है, मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तब हमको कोई भी मतलब मुसीबत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, उसको यदि प्रॉब्लम ही दिया तो उसकी सारी टोपियां से छिन जाती, तो बेचारा उस दिन क्या व्यापार करता, क्या बिजनेस करता, क्या पैसा कमाता। इसलिए उसने समझदारी दिखाई, क्योंकि वो बंदरों से लड़ तो सकता नहीं था, लड़कर मुश्किल करके उनसे टोपियां छीन तो नहीं सकता था, तो उसने समझदारी दिखाई। इसलिए मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। आप पर भी कभी कोई मुसीबत आए तो उसके लिए जरूरी नहीं हर बार अपना शरीर की ताकत ही लगाई जाए, कई बार बुद्धि से भी, समझदारी से भी उसका हल निकाला जा सकता है। ओके, होप सो ये कहानी, कौन सी कहानी है हमारी, टोपी वाला